सिग्नल क्या है? गुर रहता रहता है सुबह मॉर्निंग का। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो। तो भाई आज मेरा लास्ट डे है दुबई का, एंड कल की अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट है। सो टेक्निकली आज मेरा आखिरी दिन है दुबई में। 2 महीने पहले मैं आया था यार, 2 महीने ऐसे निकल गए, मतलब तुम समझ, ऐसे अभी भी मैं उठा हूँ सुबह सुबह, चलो पहले मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। आज मुझे कम से कम नहीं तो 4 लोगों से मिलना है। टाइगर तो कहीं जिस फ्रेंड के मैं रह रहा हूँ या है नहीं, वो लोग पार्टी करने गए हुए हैं कल रात से और अभी तक वो लोग आए नहीं है। जब से मैं उठा हूँ भूमू किया जा रहा है। अब मुझे पता नहीं ये भूमू क्यों कर रहा है। मैं उठा, मैंने इसको खाना भी दे दिया। तो भाई ब्रेकफास्ट करते करते वेब चेक इन कर लिया। अब बारी है कोविड टेस्ट रिजल्ट की, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ लोग भूल जाते हैं कि भाई तुम अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो तुमको भी कोविड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। यस, ये आज करंट टाइम की रियलिटी है। मैं और रितेश रात को 4 बजे वापस आए हॉस्पिटल से कोविड टेस्ट करा के। तो भाई ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, चेक इन भी हो गया है, कोविड टेस्ट का जो मसला है वो भी सॉल्व हो गया है। एक्चुअली कुछ मसला था, चलो मैं आपको एक टूर देता हूँ। मैं जिस घर में भी रह रहा हूँ करंटली, मेरे फ्रेंड का घर है बॉम का, एंड आप लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई दुबई के घर कैसे होते हैं। मतलब मैं भी क्योंकि पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार आया था यहाँ पे। क्या लगा आप लोगों को घर का टूर? भाई यहाँ के घर अलग ही लेवल पे भाई बड़े हैं। भाई मेरा बहुत साथ दिया है यहाँ पे मेरा फ्रेंड हितेश, हमेशा मेरे कॉल पे खड़ा रहा है। हम ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे मिले हैं। कल रात को भी हम लोग 4 बजे तक हम कोविड टेस्ट के चक्कर में हमने वेट किया है। दोनों को नींद आ रही थी बट हमको पता था भाई ये करना है। फाल्गुनी मेरी नई दोस्त बनी यहाँ पे, बहुत ही स्वीट लड़की है और उसने भी मेरा इतना साथ दिया ना चीज़ों में। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई फ्रेंड बोंग जिसके घर में रह रहा हूँ मैं। हम नए दोस्त हैं तो यहाँ पे काफी नए दोस्त बने, कुछ पुराने दोस्त हैं जिनके साथ दोस्ती और गहरी हो गई है। तो अगर ओवरऑल मैं दुबई ट्रिप की बात करूँ तो यार मेरे लिए तो बहुत सही ट्रिप रही, बहुत मजा आया, अच्छा लगा यहाँ आके। नो मैटर जॉब नहीं हुई, शूट थोड़े कम मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यार वो टेम्परेरी है। जॉब अभी नहीं मिली है सिचुएशन खराब होने की वजह से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब मिलेगी नहीं। कुछ टाइम में इंडिया में जॉब कर लूंगा, फिर मैं वापस दुबई में ट्राई कर लूंगा। तो गाइस इस बिल्डिंग के कुछ ऐसे नज़ारे हैं नीचे से। बहुत ही मजेदार बात ये है कि इस बिल्डिंग के नीचे उतरते ही ये भाई मॉल की एंट्रेंस है। तो मॉल बिल्डिंग से कनेक्टेड है। तो यहाँ से मैंने एंटर किया, एंटर करके आप देख लो मॉल आ गए, सीढ़ी ऊपर चढ़ा एंड मॉल। वाओ व्हाट अ कूल फीचर है ना, मेट्रो की लास्ट राइड। तो गाइस यहाँ के मेट्रो के बारे में आपको बताता हूँ एक चीज। दुबई की जो मेट्रो है में कोई ड्राइवर नहीं बैठता है, इट्स फुली ऑटोमेटिक, इट ऑपरेट्स बाय इट्स ओन, देयर इज नो ड्राइवर सिटिंग इनसाइड। टेक्नोलॉजी तो भाई बड़ी हाई जा रही है इस शहर के अंदर है। भी आ गई कैमरा ऑन होते ही। चलो गाइस फाइनली इंडिया आने का टाइम आ गया, एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। बैग रेडी, आई एम आल्सो रेडी। और 66th फ्लोर से लिफ्ट इतनी तेज नीचे आती है कान बंद हो जाते हैं।
बस ट्रेन से हादसा हुआ मेरे साथ। तो गाइस जब मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा, मैंने उबर बुक की, उबर वाला बंदा आया, उस भाई के पास कार्ड मशीन नहीं, मेरे पास कैश खत्म। तो मैंने कहा भाई मैं तो आई कैन ओनली पे यू बाय कार्ड। वो भाई ने बोला कि नहीं मेरे पास मशीन नहीं है। ही वाज अ वेरी हेल्पफुल गाय, ने मेरे को गाड़ी में बैठाया और एक पास में एक टैक्सी यहाँ पे यूजली मिल जाती है सुबह सुबह, वहाँ मेरे को लेकर गया। ये टैक्सी मिली जो लोकल टैक्सी होती है यहाँ की, मैंने अपना बैग डिग्गी में रखा। तो ये टैक्सी वाले भाई साहब भी कह रहे हैं कि मेरे पास कार्ड मशीन नहीं, ये भी लो या काम हो रहा है। फिर उसने भी मेरे को वहीं पे उतारा। फिर मुझे तीसरी टैक्सी मिली है, तीसरी टैक्सी वाला बंदा फाइनली मुझे बोला कि हाँ भाई मेरे पास कार्ड मशीन है और आपका कार्ड चल जाएगा। फाइनली फिर मैंने वो थर्ड टैक्सी ली, तो मैं एयरपोर्ट आया। 15 मिनट में मेरे को एयरपोर्ट पहुंचना था। लकीली अच्छे रोड्स हैं, सड़कें अच्छी हैं, यहाँ पे ड्राइविंग सेंस बहुत शानदार है। विद इन 15-20 मिनट्स में मैं एयरपोर्ट पे था। उसके बाद मैंने अपना भाई चेक इन वेक इन किया इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के बाद आया, थोड़ा ड्यूटी फ्री पे चीज़ें ढूंढ रहा था, कुछ मिल गई कुछ नहीं मिली। जिनकी मिल गई हैं चीज़ें वो लोग अब मिलके मुझसे खुश हो जाएंगे इंडिया में, जिनकी नहीं मिली वो मुझे गाली देने वाले हैं। तो गाइस चेक इन डाल, इमिग्रेशन डाल, एंड नाउ आई एम रेडी टू बोर्ड माई फ्लाइट। आर्ट थोड़ा हैवी सा हो रहा है, थोड़ा मेरे को छुप के वीडियो शूट करना पड़ रहा है बिकॉज एयरपोर्ट अलाउड होता नहीं, और अगर इनकेस किसी ने पकड़ा तो इधर तो माशाल्लाह कुछ भी हो सकता है। ये तो लैंड ऑफ शेख है, इधर तो कुछ भी हो सकता है, इधर तो मोटा मोटा दिरहम का फाइन कटता है ना। अच्छा लगा था भाई, मैं इंडिया में लैंड हुआ। हेलो नेवान, ये हो रहा है, क्या कर सकते हैं बताओ। फाइट, झगड़े, आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो गाइस दो ऑफिसर आपस में लड़ रहे हैं और क्या होगा हमारे देश का भाई। तो भाई इंडिया एयरपोर्ट पे लैंड कर लिया है, इंडिया मतलब जल्दी लैंड करके भाई सारे मैंने प्रोसेस जो भी कंप्लीट किए, इमिग्रेशन वगैरह कर करा के कोविड टेस्ट करवा दिया मैंने। जैसे ही मैं बाहर निकला गाइस, बताओ तो कस्टम ऑफिसर्स आपस में झगड़ रहे हैं, ये रह गए देखने के लिए, मतलब बढ़िया खुले आम यार। ये बताओ ये हो रहा है, मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, मैं तुमको वो कर दूंगा, ये देखने के लिए मैं दिल्ली आया हूँ क्या। हाँ भाई, मैं छोटा भाई लेने के लिए आया, मेरे को चलो मैं गाड़ी ढूंढता मेरे फटाफट। हाँ वो दिखा मुझे घर आके भाई खाना खाया, खाना आके इतनी तेज नींद आ रही है ना, मेरा मन तो कर रहा है ब्लॉग शूट करने का, पर इस नींद के आगे इसकी कहाँ चल रही है। मैं काम करता हूँ, सो लेता हूँ। तो भाई खाना खा के फिर मैं सो गया और मैं उठ ही नहीं पाया, और दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो फाइनली अब थोड़ी ट्रिमिंग करके अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो नए लोग हैं यहाँ पे, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देगा और वीडियोस बनाने के लिए। एंड तब तक अपने भाई घर रहो, सेफ रहो, है ना। सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है इंडिया के अंदर, जितना आप घर के अंदर रहोगे, मास्क पहनोगे और प्रिकॉशंस लोगे तो आप उतने ही सेफ रहोगे इस कोरोना वायरस से। और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है प्लीज़ वैक्सीन भी लगवा लो। मैं भी अपने आप को बस एनरोल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी दुबई से आया हूँ, अपने आपको मैं आइसोलेट करके रख रहा हूँ। मैं भी लगवाता हूँ वैक्सीन और आप भी वैक्सीन लगवाओ। और तब तक बाय बाय।